हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, मेरा नाम है सुधीर मोहन और ये हमारा फिटनेस एंड एकेडमी ताइक्वांडो ट्रेनिंग का चैनल है। सो गाइस, इस चैनल पे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू करने वाले हैं, वो है एक सीरीज सेल्फ डिफेंस और फिटनेस ट्रेनिंग ताइक्वांडो ट्रेनिंग के से मिलाकर। ओके, जिसमें कि हम ताइक्वांडो, सेल्फ डिफेंस और फिटनेस तीनों चीज़ों के बारे में बताएंगे इस एक सीरीज के फॉर्मेट में। सो स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। तो गाइस देखो, इस वीडियो, इस सीरीज से जिसको फ़ायदा होगा वो ऐसे लोग हैं जो फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं, जो ताइक्वांडो में इंटरेस्टेड हैं, प्लस जो लड़कियां हैं जो सेल्फ डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, सो इस सीरीज़ को मैं शुरू कर रहा हूँ। ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता दूँ कि मेरा नाम है सुधीर मोहन और इस चैनल पर अब रेगुलर कंटेंट आता रहेगा। मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था वीडियोस, बिकॉज बहुत सी चीज़ों में फंसा हुआ था, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, करूँ क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसी वजह से इस पे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे। बट मैंने देखा 308 सब्सक्राइबर हैं हमारे, बल्कि हमने कोई कॉन्टेंट खास नहीं डाला है, बट सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है, ताइक्वांडो पसंद भी आ रहा है। तो और जो मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं 308 लोग, तो उनको थैंक यू सो मच कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब आपके लिए और अच्छा कंटेंट आएगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है गाइस, तो आप लोग के लिए बस यही मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इंटरेस्टेड हो फिटनेस में, अपने आप को स्ट्रांग बनाने में, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने कॉन्फिडेंट बनाने में, और सेल्फ डिफेंस स्किल्स प्लस ताइक्वांडो स्किल्स सीखने में। ठीक है, बिल्कुल, ये लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ओके, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं सेंटर में ही जाके सीखो, ये भी हो सकता है कि आप घर से सीख सकते हो। भाई आप चैनल देखो, वीडियोस देखो, और सीखने का मतलब है आप सिर्फ देख के नहीं सीख सकते, आपको करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो चीज़ें फॉलो करो और करो घर पे। ठीक है, वीडियो देखो, करो, नहीं समझ में आता फिर से वीडियो देखो, फिर करो, दिन में एक घंटा आप आराम से निकालो इसके लिए, बिकॉज एक लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये करोगे आप फिट रहोगे, है ना, और आप स्ट्रांग बनोगे, ऐसी स्किल्स सीखोगे जो लाइफ में बुरे टाइम पे काम आ सकती हैं। ठीक है, सो गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, पहला चैप्टर का मतलब पहला लेसन। और तो पहले लेसन में देखो, हम बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, ताकि आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सको। ताइक्वांडो या सेल्फ डिफेंस में आपको हाथ पैर यूज़ करने पड़ते हैं, तो हाथ पैरों में पहले तो बात पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हम हर चीज़ पे काम करेंगे बट स्टेप बाय स्टेप। सो पहले फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ों पे काम करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, ये हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें कि हम बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि फ्लेक्सिबिलिटी में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ में भी हेल्प करेंगे। सो बेसिक एक्सरसाइज पहले हम ध्यान देंगे क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ये सब चीज़ें करने को, और गर्मी बहुत हो रही है ना, आप लोग के यहाँ भी हो रही होगी। सो अभी देखो, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो ये माइक से मैं बोलूँगा, सुनाई पड़ रहा है बिकॉज कैमरा दूर है। सो मैं ऐसे पकड़ के बोलूँगा, फिर मैं इसको रख दूँगा, फिर मैं करके दिखाऊँगा। ठीक है, मैं करके दिखाऊँगा, फिर आप उसको फॉलो कर करिएगा। ये बता दूँगा मैं कितनी बार करना है एक्सरसाइज को, और उतनी बार आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखो, पॉज करो, देखो, परफॉर्म करो, फिर पॉज करो, फिर परफॉर्म करो, ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, तो साथ में करो, बैठे मत रहना, साथ में करो, देखो और करो। ठीक है, एक टाइम निकाल लो, उस टाइम पे बैठो, वीडियो देखो, फिर उस चीज़ को परफॉर्म करो, फिर बैठो। ठीक है, सो अभी मैं इसको रखता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जंप से। तो जंप जैसे करना है मैं दिखाता हूँ और आप स्टार्ट करो। इसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हो हाई जंप करने में, हाई जंप मतलब ऊंचा जंप करना है। ठीक है, अगर कंफर्टेबल हो तो आप 10 टाइम्स हाई जंप करोगे, ऐसे करना है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, हाई जंप हो गया, और ट्राई करना पंजों पे ही लैंड करना है, पटकना नहीं पैर को, आराम से रखना। ठीक, अभी पॉज करो और स्टार्ट करो।
परफॉर्म करो 20 टाइम्स स्लाइड जंप, 10 टाइम्स हाई जंप, ठीक है, फिर स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कमर पे हाथ रखना है, ठीक है, फिर नेक रोटेट करना है, ठीक, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, स्लोली करना है आराम से, 1 2 स्लोली, 3 4 5, ठीक है, 10 टाइम्स राइट, 10 टाइम्स लेफ्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 टाइम्स करिएगा आप। फिर नेक्स्ट उसके बाद ऐसे हाथ रखना है, ऊपर से नीचे को स्ट्रेच करना है, लाइटली करना है, ठीक है, ट्रपीजियल स्ट्रेच, ये आपके पीछे के जो मसल्स हैं इनको स्ट्रेच करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर साइड चेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर चेंज करेंगे, दोनों हाथ सर के ऊपर रखेंगे और नीचे को पुश करेंगे, ठीक है, लाइटली करना है ये भी, ठीक, देखो कैसे करना है, ऐसे रखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से करना है, ये हो जाए, उसके बाद आपको ऊपर को पुश करना है, नेक को ऐसे रखोगे हाथ, चाहे अंगूठे रख सकते हो चिन पे, चाहे तो हाथ रख सकते हो चिन पे, ऐसे उंगलियाँ चिन पे रखना है, ऊपर पुश, ठीक है, ऊपर पुश करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक, अभी आप पॉज करो और परफॉर्म करो, पॉज परफॉर्म, ओके, अभी आप कर चुके होगे मेरे ख्याल से, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलेंगे और वो करेंगे हम लोग शोल्डर रोटेशन, ठीक है, शोल्डर रोटेशन करना है, हाथ हाथ रखेंगे और ऐसे सिर्फ शोल्डर, ठीक है, सिर्फ शोल्डर को रोटेट करना है, पीछे को पहले फिर आगे को, ठीक है, 10 10 टाइम, रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 10 टाइम्स, ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फुल हैंड रोटेशन, ठीक, सो अभी इसको मैं रख देता हूँ, फुल हैंड रोटेशन करेंगे पीछे को फिर आगे को, फुल हैंड में पूरा हाथ दोनों हाथ करेंगे साथ में, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर आपको करना है, फिर आपको हाथों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया, इसके बाद आपको, ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइजेस, आपके हाथ की थोड़ी बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस, ये आप कर लीजिए 10 10 टाइम्स रिवर्स, आगे को पीछे को, ठीक है, फिर ये आपको प्रेस करना है, ये कर लीजिए 10 10 टाइम्स, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज बढ़ेंगे, तो अभी पॉज करिए, परफॉर्म करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो अभी आप कर चुके होंगे, अभी हम करते हैं साइड बेंड करना है हमें हल्का हल्का, ठीक, ये हिप और वेस्ट रोटेशन के लिए, वेस्ट मूवमेंट के लिए है, सो अभी क्या करेंगे हम, कमर पे हाथ रखेंगे ऐसे, हाथ हाथ को ऊपर सुनाएंगे और साइड में, आगे मत झुकना, साइड में, आगे नहीं झुकना है, साइड में रहना है, ठीक, जितना इधर स्टेप कर सकते हो, 1 2 3 4, और घुटने सीधे रखने, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे सेम साइड राइट साइड, ठीक है, सो ऐसे ही आप राइट साइड भी करिएगा, ठीक, स्टॉप, पॉज करिए, परफॉर्म करिए, ठीक है, अभी आप कर चुके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो आपको क्या करना है, ऐसे घूमना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, पीछे हाथ रखना है, कमर में ऐसे हाथ रखना है, और फिर पीछे हल्का हल्का बेंड होना, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से 10 टाइम्स बैक करेंगे आराम आराम से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आराम आराम से करना है एक्सरसाइज को, ठीक, ये हो गया, 1 2 3, ठीक, ये होने के बाद में आपको दोनों हाथ कमर पर रखना है और हिप रोटेट करना है, पैर में थोड़ा गैप रहेगा, घुटने बेंड नहीं होंगे, 1 2, ये 20 टाइम्स कर सकते हैं, 20 टाइम्स राइट, 20 टाइम्स लेफ्ट, ठीक है, ये करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सो अभी करिए आप, फिर मैं बढ़ता हूँ, सो आई फील कर चुके हो गए आप, करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि बस मैं बोल रहा हूँ आप कर नहीं रहो, करो और फिर क्योंकि उसी से फ़ायदा होगा, बिना करे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, हिप रोटेशन हो गया आपका, ये और ये, ठीक है, दोनों साइड में 20 20, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आपके पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए है, ठीक है, सो पैर थोड़ा गैप से खोलना है ऐसे, बैलेंस बना के, शूज़ पहनिएगा वरना पैर स्लिप करेंगे,
ठीक है, ऐसे रखना है पैर को, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे दोनों हाथ, ठीक है। फिर आपको आगे बेंड होना है हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का बेंड होना है, और ट्राई करना है थाइस, इनर थाइस को स्ट्रेच करना है, ठीक है, ऐसे करना है। 1, 2, 3, तो ऐसे क्या है आपका इनर थाइस और बैक में थाइस जो है ना, हैमस्ट्रिंग, वो सब स्ट्रेच होंगे आपके। तो ये स्टार्ट करिए 10 times, एनफ है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 10 times करिए, 10 times करिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। ओके, सो आप कर चुके होगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे दोनों हाथ से, और घुटना बेंड नहीं होगा, घुटने सीधे रहेंगे, और हम साइड में घूमिए, ठीक, पैर ऐसे एक उधर को पॉइंट करेगा, पीछे वाला पैर ऐसे रहेगा, और पीछे वाला पैर हल्का सा पीछे खोलिए, ठीक है, आगे वाला घुटना बेंड करिए, ठीक है, ऐसे रखेंगे, और पीछे वाला घुटना बिल्कुल सीधा, आगे वाला बेंड, ठीक है, आगे एक हाथ पीछे, ठीक है, और ऐसे बेंड करना है, बॉडी आगे झुकाएंगे नहीं, बॉडी को सीधे रखेंगे, जितना स्ट्रेच होता है ऐसे स्ट्रेच करना है। 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे 20 times ये स्ट्रेच करिए, फिर आपको इधर करना है राइट साइड, ठीक, आगे वाला घुटना बेंड रहेगा, पीछे वाला बिल्कुल सीधा, और यहाँ पर थाई पर पैर हाथ रख के स्ट्रेच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये भी आपको 20 times करना है, ठीक, 20 times करिएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है, ये करिए फिर मैं बताता हूँ, पॉज, परफॉर्म। ओके, सो अभी देखो, अभी हमने पैर ऐसे रखा था, ऐसे फ्लैट, ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें पैर को ऐसे रखना है, हील उठानी है, दोनों हाथ आगे रखेंगे, ठीक, आगे वाले हाथ पे, पैर पे हाथ बोल रहा हूँ, और हमें ऐसे स्ट्रेच, बॉडी स्ट्रेट, आगे नहीं झुकना है, बॉडी ऐसे रखेंगे और ऐसे स्ट्रेच, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 10 times कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हो गया आपका, दोनों साइड में 10-10 कर सकते हैं, ये वाली एक्सरसाइज भी, ठीक है, ये आपको फ़ायदा करेगी आपके पैरों की स्ट्रेचिंग में, ठीक है। सो अभी ये एक्सरसाइज होने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करिए, 20 सेकेंड या 2 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर करेंगे, 2 exercise और थे वो हम करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो अभी आप रेस्ट कर चुके होगे, है ना, 2 मिनट रेस्ट कर लिया आपने अगर, सो बहुत अच्छी बात है। अब आपको करना क्या है, आप बैठ जाओ, आप ऐसे या ऐसे बैठ जाओ, ठीक, ऐसे बैठ गए, अब एक पैर पर बैठना है आपको, एक पैर ऐसे खोलना है, ठीक, ऐसे बैठे, ये पैर ऐसे रखा है, ये पैर ऐसे खोला है, बहुत लोग ऐसे करेंगे, ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में क्या होता है, पैर आपका पूरा ऐसे नहीं मुड़ता नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है तो नहीं मुड़ता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो, ठीक, ऐसे बैठने के बाद में आपको हाथ दोनों आगे रखने और आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, 1, 2, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक है, यहाँ बैठिए ऐसे, 1, 2, यहाँ से स्ट्रेच होना चाहिए, 3, 4, 5, ठीक है, पंजा ऊपर को रहेगा, ठीक। सो ऐसे ही आपको 20 times ऐसे इस साइड से करना है, फिर आपको दोनों हाथ ऐसे रखने, एक हाथ पैर के इधर, एक हाथ पैर के इस साइड, फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5, जिसका पैर ऐसे हो जाए पूरा ऐसे करिए, 1, 2, ठीक है, इस तरह से आपको 20 times ये भी कर सकते हो या 10 times कर सकते हो। फिर उठना है, पैर वहीं पर रहेंगे, साइड चेंज करना है, ये एक्सरसाइज आराम से नहीं हो पाती है, आपको टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में, ठीक, ऐसे करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 20 times ये, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 20 times ये, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक, ये होने के बाद, ये कर लेने के बाद में पैर रोकिए, बैलेंस करिए और फुट को रोटेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 times राइट में, 10 times लेफ्ट में, ठीक है, ऐसे ही ये कर लीजिए, ठीक है, पॉज करिए और स्टार्ट करिए, और अगर नहीं बैलेंस हो पा रहा है तो आप कहीं सपोर्ट लीजिए दीवार का, इधर या उधर कहीं भी, ठीक है। उसके बाद में आपको पैर ऐसे रोकना है, नीचे को स्ट्रेच करना है, टो को ऊपर स्ट्रेच करना है, ठीक है, देखो नीचे स्ट्रेच करो, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से दोनों पैर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। सो ये आपके बेसिक एक्सरसाइजेस हो गई, आप पॉज करो, ये परफॉर्म करो, फिर वापस आओ, ठीक है। ओके, अभी आप कर चुके होगे,
तो देखो ये आपकी बेसिक एक्सरसाइजेस हो गई हैं, ठीक, जो कि स्ट्रेचिंग के लिए आपको हेल्प करेंगी। अभी इसमें बहुत एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत कुछ, अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज पे ही लग जाएं तो एक डेढ़ घंटा निकल जाएगा। तो हम बेसिक चीज़ें सीखते सीखते आराम से एडवांस पे पहुंचेंगे स्लोली स्लोली, क्योंकि स्टार्टिंग से अचानक से कुछ भी करोगे तो चोट लग सकती है। आराम से करना है चीज़ों को, ये ध्यान रखना है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको चोट मारने के लिए सीख रहे हो, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए प्लस अपने आपको फिट करने के लिए सीख रहे हो, ठीक है। सो ये करो चीज़ें, सिर्फ बैठना मत, देख लिया अच्छी बात है, अगर सिर्फ देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको परफॉर्म भी करो, इसको चीज़ों को करो, चाहे सुबह निकालो टाइम, चाहे शाम को निकालो टाइम, किसी भी टाइम निकालो, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। हम धीमे धीमे स्किल्स पे भी जाएंगे। अब ये मत सोचना कि आपने किक्स तो सिखाए नहीं, पंचेस तो सिखाए नहीं, कोई पकड़ ले तो कैसे मार रहे हैं सिखाया नहीं, ये सब चीज़ धीमे धीमे आप सीखोगे। हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ये कोर्स मान के चलो आपका एक कोर्स है, सो आराम से सीखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं अभी बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, जिसके साथ भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और कमेंट में बताओ क्या सीखना चाहते हो, तो मैं उस तरह के और कंटेंट बनाता हूँ और चीज़ें बताता हूँ आपको, ठीक है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं बहुत टाइम से ताइक्वांडो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस भी बहुत चीज़ें पता हैं, बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं, नेशनल लेवल तक मैं सीनियर ऑफिशियल नेशनल सीनियर मैं खेल चुका हूँ, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, ऑफलाइन सेंटर्स में भी, हमारे लखनऊ में बहुत से सेंटर्स हैं और थे भी, कुछ बंद हो गए, कुछ चल रहे हैं। अभी YouTube पे लाने का ये मकसद है कि बहुत से लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई लड़कियां हैं जिनको परमिशन नहीं मिलती बाहर जाने की, बहुत से लोग घर में ही चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं, रात को करना चाहते हैं, सुबह करना चाहते हैं अपने टाइम में, तो वो सब देख के कर सकते हो। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम भी है ऑनलाइन ताइक्वांडो का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लाइव जूम पे करते हैं, सो उसके लिए भी अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। और अभी हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशंस कर लो, ताकि जो है सारी नोटिफिकेशन आपको मिलें, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ों पर बात करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और एक्सरसाइजेस प्लस कुछ हम किक्स और पंचेस के बारे में बात करेंगे, ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि काम नहीं करती, ठीक है, जो आपको नहीं यूज़ करनी है, ठीक। सो गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताओ, डिसलाइक भी चाहो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, और अच्छा सा कॉन्टेंट मैं और लाता रहूँगा इस चैनल पर, तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।